हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एके व्लॉग। गाइस के साथ उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी बढ़िया ही हूँ। गाइस आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, क्योंकि गाइस आज मेरे पास है, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस हुंडई क्रेटा का बेस मॉडल 2023। तो इसमें भी बहुत सारे जो है चेंजेस आए हैं, उसके बारे में बात करूँगा। तो पहले मैं आपको जो है गाड़ी दिखा दूँ जल्दी से, कुछ इस तरीके की लगती है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो है गाइस अभी आ चुके हैं क्रेटा ही डीजल में 2023 में। देख सकते हो साइड से कुछ ऐसी लगती है ऊपर नीचे, बैक से भी देख सकते हो क्रेटा ई 2023। अभी गाइस में जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो है मैं फीचर के साथ ही आपको बताऊंगा, पहले मैं इसके फीचर हाईलाइट करा दूं क्या क्या आता है। तो इसका कुछ इस तरीके का लगता है कंप्लीट फ्रंट लुक सामने से देखने पर। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की जो है ग्रिल मिलती है, हुंडई का लोगो मिल जाता है, ब्लैक कलर की इसकी ब्लेड आपको यहाँ मिल जाती है, 190 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पे इंडिकेटर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको पोजिशनिंग लाइट मिलती है एलईडी में, और यहाँ पर आपको जो है लाइट मिल जाती है हेलोजिन में, जो प्रोजेक्टर हेड हेलोजिन हेडलैम्प्स आपको जो है मिलते हैं इसमें। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके लगता है कम्प्लीट। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से काफ़ी ज़्यादा लंबी है, चौड़ी ऐसे भी दिखती है अपनी हुंडई क्रेटा ऐसा है, हुंडई क्रेटा ई डीजल 2023 कुछ इस तरीके की लगती है इस देखने पर। और यहाँ पर जो है इंडिकेटर यहाँ पे आ गए, पहले यहाँ आते थे वॉल्यूम पे, यहाँ आ गए। और साइड इसके जो टायर की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। आप गाइस 2023 में जो चेंज हुआ है ना, पहले आते थे दो डिस्क ब्रेक, दो डिस्क ब्रेक आते थे, एक इधर और एक उधर, दो ही आते थे, अब आगे चार डिस्क ब्रेक, ऑल डिस्क ब्रेक हो गई गाइस 2023 में। ये चेंज हुआ है, यहाँ पर लिखा है 205/65 16 इंच के आपको स्टीयरिंग व्हील्स मिलते हैं, आगे भी डिस्क ब्रेक पीछे भी डिस्क ब्रेक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्रोम डोर हैंडलिंग लिए आते हैं, बेस मॉडल है, और बता दिया पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड से भी जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, देख सकते हो क्रेटा ई 2023 अभी डीजल में देख रहे हो आप। ये यहाँ पर आपको पतली सी एलईडी टेलने मिलती है, बल्ब वाली, या इंडिकेटर्स मिलते हैं, या ब्रेक लाइट। यहाँ पर क्रेटा आपको लिखा मिलता है, हाईमॉर स्टॉप लें, वाइपर डिफॉर कुछ भी नहीं मिलता, ऊपर माइक्रो वाला एंटीना आपको इसमें देखने को मिलता है। और गाइस एक इसमें एक और बड़ी चीज़ आई है चेंज, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। पहले जो इसका जो यहाँ पे वो आता था ना, इसका क्या होता फ्यूल टैंक, वो गोल आता था, लेकिन अब ये चौकोर हो चुका है। इसका भी बताऊंगा अभी क्या चेंज हुआ इसमें, जो देख लिया अपन ने साइड से। पीछे से आपको दिखा देता हूँ, इसका बूट जो है ना कुछ इतना ओवरऑल खुलता है, इतना खुलता है इसका बूट, 433 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं मिलती। यहाँ पर जो 16 इंचज़ का या कोई स्टीयरिंग व्हील इसमें देखने को मिलता है, स्टेपनी व्हील। अब बंद करते हैं इसको, 433 लीटर बूट स्पेस, चार पार्किंग सेंसर, इसकी ब्लेड जो है ब्लैक वाली मिलती है, और रिवर्स लाइट इसकी ये है। अंदर चलते हैं गाइस। तो इसका दरवाज़ा कुछ इतना वाइट खुलता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने पर, ब्लैक एंड बेज वाली डिज़ाइन में। आपको यहाँ पर आप जो है दरवाज़ा अनलॉक कर सकते हो, यहाँ से कांच ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट आपको इसमें नहीं मिलेगी, लगवाना पड़ेगा, बोतल होल्डर भी आपको इसमें मिल जाता है। अभी चेंज क्या हुआ गाइस 2023 में मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर जो है ना गाइस ऐसी सीट आने लग गई, देखो 60-40 सीट आपको इसमें मिल जाएगी सिर्फ, बिना आर्मरेस्ट वाली, हालांकि ई मॉडल की है, बिना आर्मरेस्ट वाली मिलेगी, बिना हेडरेस्ट वाली, बस आप जो है फोल्ड कर सकते हो, ये चीज़ चेंज हो गई। पीछे जो है तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, आओ मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की लगती है, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, कितना स्पेस है आप गाड़ी के अंदर देख ही सकते हो। यहाँ पर जो है आपको कुछ भी नहीं मिलता, दो एसी वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर फोन रख सकते हो, चार्जिंग वार्जिंग नहीं मिलता। और फ्रंट से कुछ इस तरीके की लगती है क्रेटा ई 2023। और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको जो है फोल्डेबल ग्रेब हैंडल भी इसमें मिलने लगा है 2023 में, ये चेंज हुआ है। यहाँ पर लाइट आपको पता है आती है, यहाँ पर फोल्डेबल ग्रेब हैंडल आपको इसमें मिल जाते हैं। पीछे की सीट 60-40 आने लग गई, बाकी है तो ही मॉडल की ही। और फ्रंट से कुछ इस तरीके की लगती है, अभी आगे चल के बात करेंगे। और गाइस इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है क्रेटा ई, अब आपको 2023 के अंदर चाहे डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, अब इसके अंदर जो है 6 एयरबैग जो है आने लग गए गाड़ी के अंदर। ये भी एक चीज़ और चेंज हुई है गाइस के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है, 6 एयरबैग आपको गाड़ी में मिल रहे हैं। आगे चलते हैं फिर बताता हूँ, एक मिनट गाइस आप खोलते हैं, आगे बोलते हैं इतना वाइट खुलता है गाइस, अभी ढंग से नहीं खोल पा रहा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो गाइस यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कुछ भी सेट करने को नहीं मिलता, मैनुअली कांच के विंडो वो कंट्रोल आपको पता ही होगा, और यहाँ पर जो दरवाजा खोल सकते हो। यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं, आप स्पीकर रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, बॉटल वोटर आपको इसमें मिल जाएगा, और मैनुअली जो आईआर ईएम आप इसको सेट कर सकते हो, जो हो जाता है कोई बुरा नहीं है। साइड से कुछ इस तरीके की लगती है अंदर, मैनुअल सीट, टू रिक्लाइन
टू मैनुअल सीट आपको इसमें मिलती है, दोनों तरफ से मैनुअल मिलेगी, आप इसे सेट भी कर सकते हो आराम से। और अब सिक्स एयरबैग गाड़ी के अंदर आने लग गए। और गाड़ी के अंदर एक और चीज़ आ गई गाइज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आप मतलब ये गाइज सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए और कुछ नहीं है। इसको अगर आप ऑन करके रखोगे ना तो गाइज, जैसे कि आप अगर कोई ट्रेन व्रेन आ गई तो आप रुक गए तो फिर गाड़ी जो है आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपका फ्यूल बचेगा बस। और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको 2023 में मिल रहा है, ये भी चेंज हो गया। और एक ये भी आपको चेंज मिलेगा, यहाँ से हेडलैम्प के लीवर ऊपर नीचे कर सकते हो। इसकी जो चाबी गाइस कुछ इस तरीके की मिलती है, सेंटर लॉकिंग की आपको इसमें मिलेगी, फ्लिप की आपको इसमें मिलती है। यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो और यहाँ से होल्ड करके जो है चाबी को निकाल सकते हो। मैं ढंग से बंद नहीं कर पा रहा, माफ़ी चाहता हूँ। तो इस तरीके की लगती है और यहाँ पर इसको लगा लेते हैं अंदर। और गाइस चेंज एक और चीज़ क्या हुई है मैं बताता हूँ। अब डीजल के अंदर है ना गाइस, एक और चीज़ चेंज हो गई आपको यहाँ पर, DEF भी आपको इसमें मिलने लग गया है। इसका मतलब यही है कि जो गाड़ी में से जो गंदा धुआं निकलता है डीजल का, जो बैक्टीरिया निकलता है, ये उसको क्लीन रखता है। ये आपको भरवाना पड़ेगा, जैसे 2 लीटर के इंजन में आता था, बस ये चेंज हुआ है। आपको दिखा दिया मैंने, चलते हैं वापस से आगे की तरह। आगे की तरह जल्दी से आपको बता देता हूँ, रेटा ई 2023। एक मिनट यार, इसका स्टीयरिंग जो है सीधा कर लूँ, एक मिनट गाइस मैं भी सीधा करता हूँ इसको। किस तरह से लगती है, मैंने इसका स्टीयरिंग जो अभी सीधा करा बहुत मुश्किल से हुआ। तो गाइस क्रेटा ही 2023 आपको कुछ इस तरीके की लगती आई है। अब मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, यहाँ पर ये चेंज हुआ है मैंने आपको बता दिया। और अंदर से कुछ इस तरीके की लगती है, यहाँ पर जो है आपको अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं है। तो गाइस सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको बिना लेदर रैप का मिलेगा। और यहाँ पर कंट्रोल वंट्रोल सब आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। और गाड़ी के अंदर यहाँ से जो चेंज हुआ वो भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आप इसमें देख सकते हो। और एक और चीज़ है मैं आपको दिखा दूँ। अब गाइस ये वो आ गया है जो दो लीटर के इंजनों में आता था ना गाइस, अब वो चीज़ आपको इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ये सिर्फ उसका लेवल दिखाया है, जो DEF है ना उसका लेवल जो आपको यहाँ से दिखाया है कि वो कितना भरा हुआ है और अभी कितना खाली हो चुका है। तो गाइस ये आपको बताएगा, ये भी चेंज हुआ है 2023 में। अभी डीजल देख रहे हो, क्रेटा ही डीजल 2023 कुछ तरीके लगती है। बोनट पूरा विजिबल आपको इसमें होता है, ब्लैक एंड बेज में उसका जो पूरा इंटीरियर लगता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर आपको इसमें मिलते हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको इसमें मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है आपको इसमें मिलेगा, डीजल पेट्रोल दोनों में ही। और यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मैनुअल AC आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर जो है मैनुअल सेट करनी पड़ेगी। हेडलाइट का स्विच आपको इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और सिल्वर फिनिश के अंदर डिजाइन के अंदर जो है AC वेंट्स आपको इसमें मिलते हैं। 6 एयरबैग भी गाड़ी के अंदर आ गए, कितनी अच्छी सेफ्टी की बात है। 4 डिस्क ब्रेक तक दे दी इन लोगों ने। IRVM जो है आपको मैनुअल मिलेगा, ऊपर की तरफ कोई लाइट नहीं मिलेगी। और इस तरफ जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस तरफ जो है आपको एक वो मिल जाएगा, कांच आपको इसमें दिख जाएगा उस साइड में। और कूल ग्लव बॉक्स से बात करें तो कूल भी नहीं आता है, नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 60-40 सीट पीछे आ गई, एक वो चेंज हो गया, 6 एयरबैग आ गया, 4 डिस्क ब्रेक आ गए, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। और यहाँ पे जो है सीट जो है इसके अंदर आपको फैब्रिक की मिलती है। तो गाइस कितने सारी चीज़ें चेंज आई है इसके अंदर, मैंने आपको सब बता दी। तो गाइस आपको वो कैसी लगी गाइस ये वीडियो आपको, तो गाइस मुझे ज़रूर बताना। और गाइस मुझसे जो भी जाने अनजाने में छूट गया होगा गाइस, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये स्टीयरिंग जो है ऊपर या नीचे कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक तो बिल्कुल भी नहीं आता है। यहाँ से मैनुअल जो है आप अपने जो है इसके कंट्रोल है, आपके क्या बोलते हैं इसको, वाइपर्स के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट के कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया पूरा, कोई भी चीज़ छूटी हो तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ से जो है ना आप अपना बोनट खोल सकते हो और यहाँ से अपना फ्यूल टैंक खोल सकते हो। मैनुअल सीट आपको इसमें मिलती है, कितनी शानदार चीज़ है गाइस। क्रेटा ही में इतना कुछ चेंज आ गया, मैंने आपको सब बता दिया। तो गाइस कैसी लगी आपको इस वीडियो, तो गाइस मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और गाइस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से धूप में आया हूँ वीडियो बनाने, तो इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा भाई को।